हेलो यूट्यूब, आज हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन देखेंगे। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन के लिए सबसे पहले समझते हैं डेसिमल का बेस 10 होता है और बाइनरी का बेस 2 होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डेसिमल को 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे 11 को, तो 5 टाइम जाएगा और बच जाएगा मेरा 5 टाइम, यानी 10 बच गया 1, तो 1 यहाँ लिख दिए। फिर 2 से डिवाइड किए तो 2 क्या हो जाएगा 5, 2 बच जाएगा यानी 4, फिर 1 बच जाएगा तो 1 यहाँ लिख दिए। फिर 2 से डिवाइड 2 आ गया यहाँ, फिर 2 से डिवाइड किए तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और 0 बचेगा यानी 0 यहाँ लिख दिए और ये 1। नीचे से डेसिमल वैल्यू बाइनरी डेसिमल का बाइनरी हो जाएगा तो 1, 11 का बाइनरी हो जाएगा 1011। तो इस तरह हम डेसिमल का बाइनरी कन्वर्सन करते हैं। अब इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू सबसे पहले मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं इंट मेन। इंट नम एक वेरिएबल दे देते हैं जिसमें हम उस नंबर को स्टोर करेंगे, यूजर से इनपुट करवाएंगे उसको। प्रिंट एफ मैसेज देते हैं इंटर एनी डेसिमल नंबर, यूजर को मैसेज दे दिया डेसिमल नंबर के लिए। स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एम परसेंट नम में उसको स्टोर कर दिए। अब क्या करते हैं हम रिकर्सन फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो इंट डी ई एस इंट एन एक वेरिएबल पास किए, जो वेरिएबल पैरामीटर से पास किए हैं वो नम वेरिएबल इस पैरामीटर के थ्रू इस फंक्शन में आएगा। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे इफ एन इक्वल टू जीरो अगर होता है और n इक्वल टू वन अगर होता है तब प्रिंट एफ कर दो उसको। प्रिंट एफ प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा n और रिटर्न कर दो। ये हो गया सिंपल मेरा परसेंट डी और जो वो आएगा 10 जो भी आएगा उसको परसेंट डी से हम क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे फिर से फंक्शन कॉल करके उसको डिवाइड करते हैं। तो एन से 2 डिवाइड कर दिए, ये मेरा क्या है रिटर्न करेगा जो भाग शेष आएगा उसको और डी एस और ये क्या करेगा उसको भागफल में तोड़ेगा। तो मॉडुलस 2 हो गया। अब सिंपली यहाँ पे हम एक और प्रिंट एफ देते हैं। प्रिंट एफ बाइनरी नंबर दे दिए और यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं डी ई एस एन यू एम। नम यहाँ दिए क्या है, यहाँ नम कॉल किए थे, यहाँ तो एन पास किए हैं तो ये नम एन होके इसमें जाएगा। अब यहाँ हम रिटर्न 0 या गेट सी एच दे देते हैं। गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट सी एच दे दिए। अब क्या करेंगे रन करेंगे हम 11 का देखते हैं। तो 11 का 1011 है। इसी तरह हम अगर दूसरा किसी का भी देखते हैं जैसे 5 का, तो 5 का 101 है। तो इस तरह हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम समझ लेते हैं पहले कैसे काम कर रहा है। नोट पैड ओपन करेंगे, ये रहा नोट पैड। अब सिंपली इसको समझ लेते हैं। यहाँ जब हम 11 इंटर करते हैं तो 11 यहाँ जैसे ही 11 से क्या हो जाएगा डिवाइड 2 इक्वल टू क्या रिटर्न करेगा मेरा भाग शेष यानी 1 रिटर्न करेगा और ये 1 जैसे ही यहाँ आएगा तो ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 11 मॉडुलस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। ये फिर आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 आएगा, 5 आएगा तो 5 को जैसे ही 2 से डिवाइड करेगा फिर 1 रिटर्न कर देगा और यहाँ पे क्या हो गया 5, 5 को जैसे ही 2 से डिवाइड करेगा तो बच जाएगा 2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आएगा, 2 को जैसे ही डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 0 आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रहेगा, 2 से डिवाइड करेगा तो 1 बार में जाएगा। तो इस तरह मेरा 1 आया, 1 रिटर्न कर देगा और प्रिंट कर देगा। थैंक फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर वीडियो।